परमात्मा नाल खिच प्रेम नहीं सी, सुक्की सिला नू रगड़दे पे सी। भाई पाओ ना ब्रह्मे लिखिया, चार वेद सिमरत पढ़ पेख है। चार वेद ते सिमरतियां पढ़ के सारे देख ले, पर ब्रह्मा ने प्रेमा भक्ति पै और पाओ दा रस्ता जो गुरु साहब ने दसिया वो नहीं कोई लिखिया ना दर्शाया। ब्रह्मा सब तो वड्डा देवता होया आ, तीन देवते पई मन्ने गए हैं हिंदू शास्त्रां दे मुताबक। एक ते पाई ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा पैदा करने वाला, विष्णु पालन पोषण वाला, ते शिव जी मौत लियान वाला, नष्ट करने वाला। तो उन्हां विचों ब्रह्मा ने कोई नहीं ये रस्ता सीधा दसिया प्रेमा भगत जिहदे नाल करतार नाल मेल होवे। ये नहीं दसिया गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा समान। ढूंढी सगली पृथ्वी सतयुग आद्वापर त्रेता, ढूंढी सगली पृथ्वी सारी सृष्टि ढूंढ ली, आ तो सतयुग द्वापर त्रेते दे सारे राव रीतियां ग्रंथ कर्म कांड चलाए हुए सारे देख ले। कल युग तुंदुकार है, परम भलाई बहुविध पेख है। कल युग तुंदुकार है, अंधकार है, अंधेरा है। कल युग विच अंधेरा ही अंधेरा, अज्ञानता अज्ञानता, परमा दे विच पिया होया अंधेरे दे परमा च भुले हुए ने सारे। और बहुत बहुत बेबहाव पेखा ने नाल कर कर होए बहे गो रामा, एने पेख तारी गुरु बन गए, पेख तारी अवतार बन गए। कोई नेक लंक अवतार बने फिर देने, कोई कोई बने फिर देने। पाई ए बड़े कल युग दे विच अंधियारा दे विच तुंदुकारा विच परम परमा च पए होए ने। पेखी प्रभु न पाये, आप गवाए रूप न रेखे। पेखा दे नाल ए उदासी पेखिया, सन्यासी पेखिया, ए फलाना पेखिया, ए लामिया दा पेखिया, मेरे वर्गे पखंडियां ने चोगे पाले, इन्हां नाल प्रभु नहीं भिजदा। महाराज फिर कहने ने यह भी ये भी नहीं भेजता। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, बहु भांत कर, बड़े तरीके ना, रागा नाल ट्यून नाल जिन्नी मर्जी है गावे, साढ़े तो कन्न रस भतीजे जाएंगे, असं तो खिचे जाएंगे, प्रभु नहीं भतीजदा। नहीं हर हर भीजे राम राजे, वह नहीं भेजता। वह किसना भेजदा? उसने तो थोड़ा हिरदा देखना है। हिरदे च की आ जे बाहरों पुचुक बोल दे पी खरे हर पहनेरा। ते पेखा नाल ते पई कुछ नहीं भेजना, उदे नाल कुछ नहीं मिलना। पेखी प्रभु ना पाई है, उदे पेखा नाल प्रभु नहीं पाया। केड़ा प्रभु? जिदा रूप ना रेखना, रंग च रूप ना रेख, चक्कर चिन्ह वर्ण जात अर पात नहीं, जे रूप रंगा रेख पे कऊ कह ना थकट के। वह कितों भिजदा? वह कहदे नाल भिजदा? कहदे नाल? आप गवाईए तां सौ पाईए। राई आप ते असीं गवांदे नहीं, आप ते अकल रखने, अकल ना लभने फिरने, चुंच ज्ञान ना लभने फिरने। गुरमुख वर्ण अवर्ण हुए, निव चलना गुर सिख वसिख। गुरमुख जड़े ने जिन्हां दा मूंह गुरु वाल लिया, जिन्हां ने अपना मन गुरु नूं बेचिया आ, उन्हां ने
ਉਹ ਵਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਨਿਵ ਚੱਲਣਾ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਸਿੱਖ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਚਲਾਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵ ਚੱਲਣਾ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪਿਆ ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ ਪਾਛੇ ਲਾਗਾ ਹਰ ਫਿਰੇ ਕੈਦ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ ਗਰੀਬੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤਾਂਹੀਓ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਸੇਗਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਗੁਰਮਤਿ ਰੀਤੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿਛ ਕਾਲ ਪਵੇ ਦਰ ਲੇਖੈ ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਚਲੇਗਾ ਸਿੱਖਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਬਬੀਏ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਆ ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੋਆ ਬਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਤਾਂ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿਛ ਕਾਲ ਪਵੇ ਦਰ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਸੌਂ ਜਾਓ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਇੱਕ ਟੰਗ 'ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਭਾਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ ਪੌੜੀ 26 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਤੀ ਚਤੀ ਸਤੀ ਚੌਰ ਚਿਰ ਜੀਵਨੇ ਜਤੀ ਸਤੀ ਚਿਰ ਜੀਵਨੇ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਨਾਥ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਰਖੀਸਰਾ ਪੈਰੋਂ ਖੇਤਰ ਪਾਲ ਬਹੁ ਮੇਲੇ ਜਤੀ ਸਤੀ ਚਿਰ ਜੀਵਨੇ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਨਾਥ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈ ਜਤੀ ਜਾ ਤਾਰ ਸਭ ਚੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇ ਦੇਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਈਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਤੀ ਸਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਤੀ ਵੀ ਦੇਖੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖੇ ਬਾੜੀ ਸਵਾਸ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਰਸ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਚਿਰ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੁਣ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਾਗ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਪਰਲੋ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਾਗ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿਰ ਜੀਵਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਧਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣਾ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ ਹੱਠ ਜੋ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾਥ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਰਖੀਸਰਾ ਪੈਰੋਂ ਖੇਤਰ ਪਾਲ ਬਹੁ ਮੇਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਥੇਰੇ ਦੇਖੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਪੈਰੋਂ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਆ ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਭੈਰੋਂ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਖੇਤਰਪਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਰਾਖਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ ਗਨ ਗੰਧਰਵ ਖੇਤਰਪਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਖੇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਭੈਰਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ
भेद जो काली देवी दा पछम दशा दा द्वारपाल सी उदा राखा सी काली देवी दा ओ पैरों देवता खेतरपाल उन्हों क्या गया एहो जे उन्हां दा लिखिया उन्हां ने पुराना गन गंधर्व अपसरा किनर जख चलत बहु खेले गण गण हुंदे ने चेले की दे चेले ने शिव जी दे शिव गण उन्हां नूं कहिंदे ने इस तरह गण होर भी हुंदे ने होर देवत्यां दे भी चेले जम गण जिन्हों कहिंदे ने शिव गण ते ये गण कई देखे गंधर्व गंधर्व ओ हुंदे ने देव लोक दे गवैये जिहड़े कहिंदे ना परलोक दे गवैये ऐस धरती दे गवैये नहीं अथवा बहुत सुंदर गाने गा बहुत सुंदर गवैये राग विद्या दे माहर ये अथवा उन्होंने दस्या वो भी देखे अपसरा परियां भी देखियां जड़ियां बड़ियां सुरीला आवाजां नाल गायन कर दियां ते नाच दियां ने प्रभु नु खुश करन वास्ते वो भी बथेरियां देखियां किनर जाख चलत बहु खेले किनर किनर देव लोग दे नाच करन वाले जिन्हां ओ लाज करदे सन जिन्हां दा धड़ ते आदमी वाला सी ते सिर घोड़े दा आम तुसी देखिया सब तस्वीरां तुसी बनाए हुंदे ना देवते ते घोड़े दा मूंह ते आदमी दा धड़ ओ जदों गण जड़े गंधर्व जड़े ने बोलदे ने ते ए नाच करदे ने उहदे विच ते ओ भी देखे किन्नर ते जख कुबेर धन दा देवता उस दी सेवा विच रहन वाले जिन्ने सेवक ने देवते ने उन्हां नूं जख कहिंदे ने हुण कुबेर कौन सी कुबेर जड़ा आ विष्णु पुराण विच लिखिया है कि एक वेर ब्रह्मा नूं भुख लगी उस तमो प्रकृति तो यख पैदा होए उस तमो प्रकृति तो जख पैदा होए और इसे तरह ही ए कुबेर धन वाला देवता की आ कुबेर धन वाला देवता वो आ जेड़ा निंदक दे कोड़ करके भी इस दा निंदक शरीर है तीन इदे तीन कहंदे ने तीन पैर हन अठ दंदा वाला देवता गिणिया गया आ और देवत्यां दा खजानची गिणिया गया है एक कुबेर आ कुबेर दे जख जड़े ने चेले चलत बहु खेले अनगिनत जेड़े जादू परे खेल तमाशे देखे राक्षस दानो दैत लख अंदर दूजा पाओ दुहेले राक्षस राक्षस ते पई बुरे काम कर जिसनों कहते कौडा राक्षस दानो बहुत वड्डे राक्षस दानव देव फुनंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जेडे माड़े काम करन वाले भी ते दैंत भी यो ही गिने गिने पुराने दैंत माड़े काम करन वाले मारन वाले इंसानियत नूं बहुत बुरा करन वाले लख अंदर दूजा पाओ दुहेले राक्षस दानो देव लख उन्हां नूं देख के लख के देखिया उन्हां समझिया उन्हां दे अंदर दूजा पाओ सी और दुखी हुंदे सी द्वैत पाओ सी माड़ा पाओ सी रब वाला पासा नहीं सी पैर पाओ अकाल पुरख दा नहीं सी और बहुत दुखी हुंदे सन देखे गए जिन्हां नूं बड़े बड़े असीं गिनने आ राक्षस ते दुनिया जिन्हां तों डरदी है
वह भी दुखी होंगे देखे गए, क्योंकि गुरना गुरान समझे पाशाह कहने काल पुरख का पैर भाव नहीं सी होना चाहिए। हमें अंदर सब को डुबे गुरु सने बहु चेले, हमें दे अंदर सारे ही डुब गए, गुरु भी ते उन्हें चेले भी सने, चेलिया दे गुरु हमें दे अंदर गर्क हो गए, क्योंकि सीधा सच का रस्ता नहीं सी। गुरमुख कोई न दिसी ढूंढे तीर्थ जात्री मेले, गुरमुख नहीं सी कोई भी दिसदा। गुरमुख कौन? जिन जिदा मूह गुरु वाल है, जिन गुरु की मत लई आ, जिन गुरु को अपना मन बेचया आ, वह नहीं सी कोई दिसदा। बड़ा ढूंढिया तीर्थां ते जात्रा और मेलिया जाके, बहुत ढूंढिया कुछ नहीं मिले। डिठे हिंदू तुरक सब पीर पैकंबर कौम कतेले, हिंदू मुसलमान मुसलमान तुरक गया गया है, तुरक देश वालों आए सन। तो तुरक का लफ्ज जो आता वह मुसलमान लिए संबोधित है। ये सारे देखे, इन्हों दे पीर पैगंबर भी देखे, और वह भी देखे जेड़े कतले आम करके कहते सी काफरां नू मार रहे हैं और असी सुभाव कर रहे हैं और अपने मजहब च उन्हां नू बदल रहे सी, वह भी कातल देखे, कौम कौमां बनाने वाले कतल करके फल लेंदे सी तलवार ते सारयां नू कतल करके अपने, ते भाई वह भी महाराज कहंदे ने बड़े देखे। अंधी अंधे खुए ठेले, अन्या ने आगू जेड़े गुरु अन्ने सन उन अपने अन्ने चेलियां नू खूह विच धक्क दिता, सुट दिता, किते आत्म पद दे रस्ते ते नहीं लाया, किते सिरे टकाने नहीं लाया। ते ए महाराज कहंदे ने ए सारे देख ले भाई जिन्हां दी असीं पूजा करने आ, अजे तक पूजा करी जाने आ। अगे महाराज पौड़ी सताई दसते ने, सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी तुंद जग चानन होआ, जो कर सूरज निकलिया तारे छप अंधेर पलोआ। भाई साहब कहंदे ने गुरु नानक प्रगटिया और ऐसा प्रगटिया सारी धुंद अंधेरा अंधकार मिट गया इस संसार तो, ते चानन हो गया संसार दे विच। किस तरह जिस तरह सूरज सवेरे निकलदा आ ते अंधेरा छुप जांदा आ पई, उहदी धुप नाल सूरज ना होए ते सानू खुराक नहीं मिलदी। पहले भी आपां दस्सिया सी सूरज है ते सारी खुराक बनदी आ, सूरज दी इन्नियां नेमतां ने, इसलिए सारी जीआ जंत नूं पालन वाला सूरज है। सूरज तो बगैर कुछ नहीं होंदा, तापमान है, फोटोसिंथेस जिन्ने बनते ने क्लोरोफिल तो हरी पत्तियां तो, ये फैक्ट्रियां लगियां हुई ने दरख्तां दियां, ये खुराक बनांदियां ने पशुआं दियां भी साडियां भी। तो भाई इस करके सूरज जिस तरह निकलिया तो तारे जड़े सी छोटे छोटे जड़े पखंडी देवी देवते सारे छुप गए, तारे छप सारे छुप गए, अंधेरा जरा सी पुलोवा नठ गया दौड़ गया। सिंह बुके मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर तरोआ, जदों शेर ने पबक मारी, पबक मारी पाई, सुनो अकाल पुरख सारा च वसदा है, सच का स्वरूप है। जिस तरह कहते हैं शेर ने भबक मारदा, शेर तो जिन्हां दी मिर्गां दियां हरनां दियां डारां हुंदियां ने दौड़ियां नस जांदियां ने, साह नहीं आंदा उन्हां नूं दौड़ियां, तीरज नहीं आंदा, खप जांदियां ने, हाए पिछे आ गया शेर, हाए पिछे आ गया। इस तरह जिहड़े पखंडी सन मेरे वर्गे जिन्हां ने चेलियां दियां हेड़ां बनाईआं सी, सारे नठ गए दौड़ गए, सारे टिकाने लग गए। जिथे बाबा पैर तर
पूजा आसन थापन सोवा। आहा जिथे बाबा पैर धर, अकाल पुरख का पैर जिथे पैंदा सी पाई गुरमुखो। अकाल पुरख गुरु नानक दे शुरू विच आया, कहना नहीं बनता, गुरु नानक ते आप नहीं कहता, आप वो गरीब दसदा आ, मगर बाणी कहती है नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। तो भाई जिथे बाबा पैर धरदा सी उथे पूजा होण लग पैंदी सी अकाल पुरख दी, अकाल पुरख दा आसन बन जांदा सी, और उथे फिर संगत दे रूप दे विच थापिया जांदे, संगत गुण गांदी सी अकाल पुरख दे थापन सोआ। दास भुवनेश्वर गया उड़ीसा च, बहुत पहले जदों दास हिमाचल दे विच नौकरी विच डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर से मीटिंग च गए, किसी ने कहा जी इत्थे लागे एक पिंड आ उहदा संगत नाम है पिंड दा संगत, उत्थे गुरु साहब आए सी, गुरु साहब आ के महाराज ने इस तरह नाम जपाणा, गुरु साहब दी संगत सारे ने कहा उहदा नाम ही पिंड दा संगत बन गया। भाई बाबे ने ते बहुत कुछ कीता आ, असीं किरत कण कुछ नहीं कर सकते, एना महाराज दा जिथे बाबा पैर तारे उथे पूजा आसन हो गया। थां थां ते भाई जिथे जिथे बाबे ने पैर तारे ने ओ स्थान प्रगट होणगे, उथे लहर चलेगी एक अकाल पुरख दे नाम दी। हुण इत्थे भी देख लो जंगला च है ना बड़ू साहब, की जंगल से आई तो भाई गुरमुखो, अदर पचुंजा च देख दे, पचुंजा तो पहले देख उजाड़ हुंदा सी, शराबां पींदे सी, बकरे कटदे सी, सिद्धासन सब जगत दे नानक आदम ते जे को आ, जगत दे सारे प्रसिद्ध जेड़े अस्थान सन जिन्हें जगत दे सी वो नानक दे सच्ची पातशाह ने उत्थे जा के नाम बाणी जपाई, उदे नाल जुड़ गए, उस दे नानक दी मत दे नाल जुड़ गए, और उथे महाराज ने सारे नु सीधे रस्ते पाया, और इस करके नानक मता नाम दा भी आ जिथे के सिद्धा नाल गोष्ट करके सीधे रस्ते पाया उनु नानक मता तीर्थ भी है। फिर कह महाराज अगे कहंदे ने कर कर अंदर धर्मशाल होवै कीर्तन सदा बसोआ। कर कर अंदर धर्मशाल, धर्मशाल की होंदी आ जिथे धर्म की गल होवे, जिथे रब की गल होवे, सच की वार्तालाप होवे, सच नाल जुड़न की विचार होवे, वो धर्मशाल है। कहिंदे ने कर कर होवे, सारे घरां दे विच सारे परिवार जुड़ के उहदी कीर्तन करन, हुण सारे देखन जिन्हें सिख जगत आ जेड़े जेड़े गुरमुख ने सज्जन ने जिन्हां नूं भोखिया, सारिआं ने कर कर अपने गुरु ग्रंथ साहिब रख के सवेरे नितनेम करदे ने, कीर्तन करदे ने। होवै कीर्तन सदा बसोआ, और इन्ना आनंद आंदा है, वह घर स्वर्ग बन जांदे ने, आनंद का वातावरण उहदा उत्थे हो जांदा आ जिथे ये कीर्तन अकाल पुरख दा हो। जै कीर्तन तेरा साधु गावे तै मेरा मन लागे। सिपाही एक कीर्तन ऐसी चीज है, ये पत्थरां नूं मोम कर दिंदा। संत सी महाराज दे पढ़ो जीवनी पाई, कीर्तन करद्या करद्या ऐसी दशा आ जांदी जी बहुत सेवकां नूं आत्मदर्शी कीर्तन च बने, शब्द शुरत नाल जुड़ लैणी, संसार भुल जाना, सब कुछ भुल जाना। संत जसी महाराज ने इस तरह संत जी महाराज कीर्तन कर ऐसी जोश नाल सुरत चढ़ी कीर्तन च, संत कहने शरीर भुल गया संसार।